बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद 2 महीने तक ये केस मुंबई पुलिस के हाथों में रहा, जहां पर कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई। ना तो मुंबई पुलिस ने कॉल डिटेल्स चेक करी, ना ही मुंबई पुलिस ने सुशांत का डेटा चेक करने की कोशिश की। लेकिन जब सीबीआई के हाथ ये केस पहुंचा तो कई सारे खुलासे सामने हो रहे हैं, और ऐसे में खुलासा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर। खबर सामने ये आई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को एक ऐसा ड्रग दिया देख करती थी, जिस ड्रग्स की वजह से धीरे धीरे सुशांत की मेंटली पावर कम हो रही थी, यानी कि उसका मेंटली टॉर्चर करने की कहानी की शुरुआत कर दी थी, जहां पर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की 4 बूंदें सुशांत सिंह राजपूत को कभी चाय, कभी पानी, कभी खाने तो कभी कॉफ़ी में मिलाकर दिया करती थी, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अक्सर बेहोश और सोया रहता था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत खुद को काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करने लगे और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होने लगी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती हर रोज़ वो 4 बूंदे हर वक्त सुशांत को मिलाकर दिया करती थी। इस खेल की शुरुआत रिया चक्रवर्ती ने यूरोप ट्रिप से की थी, जहाँ पर 27 दिन के ट्रिप पर रिया चक्रवर्ती ने इस साजिश की शुरुआत की, और उसके बाद सुशांत के दिमाग में ये बात बैठा दी कि सुशांत एक डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, जिसके बाद वो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी गलत तरीके से सुशांत को खिलाने लगी, और ऐसी ऐसी चीज़ें सुशांत के दिमाग में बैठाने लगी कि सुशांत खुद भी डर जाए। जहाँ पर कभी सुशांत को गंदी आवाज़ों से डराती तो कभी रात को ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलवा कर डराती थी कि सुशांत को ये लगे कि उसका घर ये भूतिया है और उसके घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सुशांत के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने ही ज़बरदस्ती सुशांत से वो घर बिकवाया और दूसरे घर में लेकर चली गई, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती को आसान था सुशांत के इस साजिश को अंजाम देना, जो 14 जून को सुशांत के साथ हादसा हुआ। तो ये है पूरी सच्चाई, जहाँ पर धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन रिया चक्रवर्ती सुशांत को पिलाती रही और धीरे धीरे सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।